हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ हर्षा मोडकर। गाइस आज के इस वीडियो में मैं पेंट करने वाला हूँ अपना हेलमेट, जो कि हमारा वेगा का हेलमेट है, यू कैन सी। तो ये हमारे पास एक वेगा का हेलमेट है और एक्चुअल में मैं इसको इसलिए पेंट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे देखें तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह आए हैं और वाइट होने के कारण ना कैसा बहुत जल्दी डस्टी हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको पेंट करने के लिए मैं अभी ये वाला एरोसोल का ये पेंट यूज़ करने वाला हूँ, जो कि है ब्लैक कलर में। एक्चुअल में मैंने फ्लिपकार्ट से इसे मैट ब्लैक में मंगाया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर दिया है। तो मैंने सोचा कि सस्ता पेंट है, कैको रिटर्न करें, एक बार ट्राई करके देखते हैं ये कैसा क्वालिटी डिलीवर करता है। अगर ये अच्छा क्वालिटी डिलीवर करेंगे तो देखेंगे आगे में इसको मैट ब्लैक कर देंगे। फिलहाल ये आई थिंक ये ग्लॉसी ब्लैक है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। जब इसको खोल के हम लोग जब इस पर पेंट करेंगे तब जाके पता चलेगा कि ये ग्लॉसी ब्लैक है या फिर मैट ब्लैक है। और अगर इसके पेंट क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो इसके रिव्यूज़ बहुत ही बुरे हैं। मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक बार ट्राई करके देखो हम लोग घर पे इसको पेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, या फिर किसी प्रोफेशनल के हाथ से मैं बाद में पेंट करा लूँगा या फिर नया वाला हेलमेट ले लूँगा। काफ़ी पुराना हेलमेट है, अभी आप देख सकते हैं इसकी पैडिंग वगैरह काफ़ी ख़राब है। फ़िलहाल के लिए तो अपना काम चल जाता है इससे, लेकिन अगर हमें कोई राइड वगैरह प्लान करनी है, राइड पे जाना है, तो उस समय ये वाला हेलमेट उतना काम नहीं देगा। तो अभी पेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें हमारे पास ये हेलमेट है जिसे पेंट करना है, उसके बाद में फिर ये एरोसोल पेंट है, पेंट कैन। उसके बाद में गाइज हमें एक रिक्वायर्ड रहता है एक मास्किंग टेप का, और उसके साथ में हमें ज़रूरत रहती है न्यूज़पेपर की। कोई भी पेपर आप यूज़ कर सकते हो। मास्किंग टेप इसलिए यूज़ करने वाले, देखिए अभी ये जो वाला अपना फ्रंट वाला पोर्शन है यहाँ पे हमें पेंट नहीं करना है, तो हमने इसे मास्किंग टेप से यहाँ पे कवर कर लिया। उसके बाद में इसमें जो ओरिजिनल ग्राफिक्स है तो वो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रेसिंग डीएनए वाला यहाँ पे बैचिंग था, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ था एंड मैं उसे रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे कवर कर दिया। उसके बाद में फिर ये वाला साइड है यहाँ पे मैंने अभी तक कवर नहीं किया, अभी इस पर कवर करूँगा। एंड आईएसआई मार्किंग यहाँ पे दिया इन्होंने, तो सोच रहा हूँ आईएसआई मार्किंग को भी कवर कर दूँ। तो अभी फटाफट इसको मैं बचा हुआ मास्किंग कर लेता हूँ एंड उसके बाद में चालू करते हैं इसका पेंट। और हाँ गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली इसी के साथ में हमें और एक चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, वो है ये सैंड पेपर। तो सैंड पेपर मैंने फिलहाल दो साइज़ में मंगाया है, एक ये 180 साइज़ वाला एंड दूसरा वाला जो है ये है 150 साइज़ वाला। सैंड पेपर का काम ये है कि जो भी इसका ऊपर का सरफेस है हम लोग इसे रब करेंगे, रब करने के बाद कैसा इसके ऊपर अगर कोई धूल वगैरह मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। एंड उसी के साथ में जो पेंट का जो पुराना वाला लेयर है वो भी थोड़ा सा उखड़ जाएगा, तो कैसा थोड़ा सा एक रफ सरफेस वहाँ पे जनरेट होगा एंड वो वाले सरफेस पे पेंट काफ़ी अच्छी तरह से पकड़ेगा। नहीं तो फिर इसके ऊपर अगर हमने डायरेक्ट पेंट कर दिया तो वैसा पेंट क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिल पाएगी एंड पेंट बहुत जल्दी उखड़ना चालू हो जाएगा। वैसे भी अपना भी इसकी क्वालिटी क्या है अपने को पता नहीं, इसकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है पेंट क्वालिटी कितनी अच्छी रहेगी। तो चलिए अभी फटाफट इसको मैं मास्किंग करता हूँ। ओके गाइस, अभी इसकी मास्किंग कंप्लीट हो चुकी है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे आई एस एम जो मार्क है उसकी मास्किंग मैंने कर दी है। उसके बाद में फिर फ्रंट वाला पोर्शन की कंप्लीट मास्किंग हो चुकी है, साइड में ये रेसिंग डीएनए वाला जो लोगो है उसका भी कंप्लीट मास्किंग हो चुका है दोनों साइड में, यू कैन सी। मास्किंग होने के बाद में जो अभी इंपॉर्टेंट टास्क हमारा बच जाता है वो है इसे रब करना विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर अभी अपने पास है 150 वाला जो पेंट निकालने वाला प्रोग्राम अपना कंप्लीट हो चुका है, यू कैन सी। अभी पहले जितना ये फिनिशिंग दिख रही थी उतनी फिनिशिंग नहीं दिख रही है, थोड़ा सा रफ हो चुका है। और अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इसको कंप्लीट धोना पड़ेगा। तो मैं धोने वाला नहीं हूँ, एक का गीला वाला कपड़ा लेंगे और उससे इसको कंप्लीट पोंछ देंगे, क्योंकि अगर मैं इसे धोते बैठा तो ये जो अभी मैंने मास्किंग किया है वो उखड़ जाएगा। ओके
Now it's time to clean my helmet with this wet cloth. अच्छा भाई इधर तो इससे कैसा है, जो भी यहाँ पे अगर डस्ट पार्टिकल्स है वो कम्प्लीटली हट जाएंगे यहाँ से, एंड उसके बाद में जो पेंट है ना बहुत अच्छा अपने को यहाँ पे मिलेगी, एंड पेंट की लाइफ भी अच्छी मिलेगी। बहुत टफ जॉब है वैसे देखा जाए तो, आसानी से पेंटिंग नहीं होती है, लेकिन जब हो जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है यार। ओके तो अभी अपने पास जो एरोसोल वाला पेंट है तो उसको अच्छी तरह से शेक कर लेना पड़ेगा, एंड उसके बाद में फिर हम लोग इसे पेंट कर पाएंगे। एंड आप ये देख सकते हैं ये वाला ढक्कन इसके साथ में आता है, यहाँ पे लग के नहीं आता है, तो इसको अगर ये यहाँ पे लग के आया है तो आप समझ जाइए कि ये यूज़ की वाली कैन है, और क्योंकि ये ढक्कन यहाँ पे लग के नहीं आया था अलग से इसी में लग के आया था, मीन्स ये यहाँ पे डाल देते हैं और इसको इस तरह से पैक कर देते हैं, उसके कारण कैसा है ना इसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और यहाँ से गैस लीक नहीं होगी। तो अभी पहले मैं इसको अच्छी तरह से शेक कर लेता हूँ, है ना। अभी अपने पास 5 से 10 मिनट है, इसको फटाफट अच्छी तरह से शेक कर लेते हैं, तब तक ये पेंट बन जाएगा, उसके बाद में फिर फटाफट अपन अपने हेलमेट पे पेंट करेंगे। मैं सोच रहा था कि अगर इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ पेंट अगर थोड़ा सा भी पेंट इससे बच जाता था तो मेरे पास जो अपनी पैशन प्रो है उसकी टंकी कम्प्लीटली जंग खा चुकी है, तो उसको मैं पेंट करने वाला था, लेकिन इसकी पेंट क्वान्टिटी इतनी कम है तो उसको अपन पेंट नहीं कर पाएंगे। बस हमारा पेंट के कारण अपना कैमरा ख़राब ना हो जाए, चेक कर लेते इसको अच्छी तरह से। थोड़ा टेंशन आ रहा है अपने को, हवा बहुत चल रही है, एंड यू कैन सी मैट ब्लैक नहीं है यार, ये ग्लॉसी ब्लैक है। सर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। ओके गाइस अभी एक कोट अपना कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में फिर देखते हैं और एक दो कोट उसके ऊपर हम लोग चढ़ा देंगे। अभी पेंट की क्वांटिटी कितनी बची है मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, तो मैं बिन फालतू वेस्टेज नहीं करूँगा। अभी फर्स्ट कोट कंप्लीट हो गया अपना, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने अभी यहाँ पे चेक भी किया तो पेंट ये काफ़ी सूख चुका है। यहाँ पे मैंने टच करके देखा, ये देखिए मेरी उंगली पे बिल्कुल भी पेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पेंट कम्प्लीटली अपना सूख चुका है। अभी एक और हाथ यहाँ पे मार देंगे, देखते हैं जितना भी अपने पास पेंट होगा पूरा इसके ऊपर ही मारना है अपने को, और कहीं पे मारना नहीं है, तो उसके बाद में फिर ये अपना जॉब कम्प्लीट हो जाएगा। ओके गाइस तो अभी अपना पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, एक लेयर अपना कंप्लीट 100% हो पाया, एंड जो सेकंड वाला लेयर है वो 50% ही वो हो पाया है, तो आप देख सकते हो कितना कम क्वांटिटी पेंट यहाँ पे रहता है। तो एरोसोल वालों यार क्या कर रहे हो तुम लोग, बताते हो 450 ml पेंट है और वहाँ पे एक हेलमेट ही अच्छी तरह से पेंट नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और बहुत ही बुरे रिव्यू हैं आपके पेंट के, फिर भी मैंने ये लिया इसलिए लिया क्योंकि अपने को देखना था कि घर पे हम लोग ये आसानी से पेंट कर पाते हैं या नहीं हो कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पेंट करने का रहा तो मैं एरोसोल का पेंट नहीं लूँगा, उसकी जगह पे किसी और अच्छे कंपनी का पेंट लूँगा जो कि हमें अच्छी पेंट क्वालिटी एंड क्वान्टिटी डिलीवर करेगा एट अ बेटर प्राइस पॉइंट।
ओके गाइस, तो खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन हिट करना ना भूलिए, साथ ही साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, या फिर न्यू बाइक या फिर कार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।